नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य, आपके खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल मॉनसून सीजन में बरसते बादल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और नजारा देखकर यह लग रहा है कि इन सड़कों पर गाड़ी की नहीं बल्कि नाव की जरूरत है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मॉनसून सीजन से पहले प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी। हरियाणा के वल्लभगढ़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भी नजर जा रही है जलभराव ही देखने को मिल रहा है। दरअसल हमेशा मॉनसून सीजन में पहले नालों की सफाई की जाती है, तमाम दावे भी इसको लेकर के किए जाते हैं। जनता भी उम्मीद करती है कि इस बार व्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है और ये जलभराव की तस्वीरें व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही हैं। कितनी देर बारिश हुई है, कितना पानी भर गया? दो घंटे से। कितना पानी भर गया? पानी बहुत है, दो दो घंटे पानी है। कोई प्रशासन नाले भरे पड़े हैं, सब कुछ। क्या साफ सफाई होती है? ना नहीं होती, कुछ भी ना होती जी। चार साल हो गए सर सफाई करे, कोई ध्यान ही नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता? नहीं जी। कितनी परेशानी आ रही है गाड़ियों को? जनता कोई परेशानी है, पानी से तो परेशानी होगी, पता कहाँ से निकले आते हो रही है। तो इतने बारिश में पानी भर गया है? हाँ, भर जाएगा, भर जाता है इतने दिन बारिश में पानी। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं दुकानदारों को या निकलने वालों को? पानी भर जाता है, दो तीन घंटे में निकलता है पानी। अच्छा, मतलब साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? वो ऐसी होती है, दिख रहा है जैसे भर जाता है पर दो तीन घंटे में निकल जाता है पानी। पानी भरा हुआ है, एक घंटा हो गया है बारिश हुई। बारिश हुई है एक घंटे में पानी भर गया? हाँ जी। तो किस तरीके की बारिश हुई है, किस रोडों पर पानी भर गया, किस तरीके की परेशानी आ रही है? पब्लिक तो सबको परेशान है, ये नगर निगम कुछ सोचती नहीं है। पहले था वो समर्थिबल लगा रखा था, वो चला जाता था, अब बिल्कुल बंद हो गया। इसमें पानी नहीं जाता, बिल्कुल पानी नहीं जाता, नहीं जाता। जाएगा तो कभी एक आध घंटे में, दो चार दिन में एक आध बार चला जाता है थोड़ा बहुत। सफाई करने नहीं आते? सफाई करते हैं, फिर वही से हो जाता है, इसमें मिट्टी जाती है, इसमें कहाँ से उठ जाएगा। कितनी देर बाद? अब आपको वल्लभगढ़ की एक और तस्वीर भी दिखा देते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस सड़क पर गाड़ी चलाने में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। नेशनल हाईवे पर इतना पानी भर गया है कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां सड़क पर नहीं बल्कि किसी नदी में चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भरे पानी में स्विमिंग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी हैं। सवाल ये कि मॉनसून सीजन में कब ऐसी तस्वीरें दिखनी बंद होंगी ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ये नजारा आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से छोटे बच्चे नेशनल हाईवे पर भरे पानी में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई में उन तमाम दावों की, उन तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलती हैं जो प्रशासन की ओर से मॉनसून सीजन से पहले किए जाते हैं। ये दावा किया जाता है कि नालों की सफाई होगी ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन इस सड़क पर पैदल चलना तो दूर, गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया है और बच्चे इस मॉनसून सीजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क पर भरे पानी में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों ने मोर्चा खोल रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 जुलाई से ही संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। सक्ती जिले में एक संविदा कर्मी डॉक्टर अपनी कविता के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध करता नजर आया। बता दें कि इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा समेत पंचायत विभाग, कृषि, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास समेत कई विभागों के संविदा कर्मी शामिल हैं। संविदाकर्मी सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संविदाकर्मियों का कहना है कि सरकार के मैनिफेस्टो में भी नियमित किए जाने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने जो वादा मैनिफेस्टो में किया था उसको भी पूरा नहीं किया है। केवल नाम के लिए एक कमेटी बना दी गई है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। मैं रविशंकर श्रीवास, MLT जिला अध्यक्ष शक्ति, और हम कर्मचारी संगठन वाले शक्ति जिला पूरे सभी चारों ब्लॉक मिलाकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगति,
संविदा कर्मचारियों को नियमित करना और एक वर्ष में 13 माह का वेतन, यही हमारा मुख्य है और हमारी 24 सूत्री मांगे हैं जो शासन से हमारी मांग है। कितने कर्मचारी हैं हड़ताल पे? अभी हम लोग 160 कर्मचारी लगभग हड़ताल पे हैं और कुछ हमारे साथी और हमारे साथ आने वाले हैं। मैं छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संविदा कर्मियों के अलावा कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा भी सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है। कर्मचारियों ने 5 मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की है और अपर कलेक्टर को CM के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिकारी फेडरेशन के तहत आज हमारी 1 दिवसीय हड़ताल है जो कि 5 सूत्री मांगे हैं हमारी, जिसमें पेंशनर लोगों की मांग है, गृहभाड़ा भत्ता है, HRA है और जो नियमितीकरण करना है जिसमें संविदा नियुक्ति भी है और बाकी जो जिनकी नियमितीकरण में तकलीफें हैं, शिक्षक वर्ग है, उस मांगों को लेकर एक संयुक्त जो हम लोगों का मोर्चा है वो आज 1 दिवसीय हड़ताल कर रहा है। साथ ही संविदा कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर हैं, जिससे कि सरकार के विरुद्ध में सभी संगठन एक साथ मिलकर अपने मांगों के लिए अपन हड़ताल कर रहे हैं। अधिकारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि देवभोग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर सिलेंडर लेकर और गले में टमाटर और सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के किसान मोर्चा के नेता आशीष पांडे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा धर्म संप्रदाय और जातियों की राजनीति करती है, भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोल रही है। महंगाई जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई कर रही है, कभी सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोलती, पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं बोलती, खाली हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, राम 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 राम, बस यही केंद्र सरकार जानती है और कर रही है। और हमारे राज्य में हमारे कांग्रेस की सरकार केंद्र वहाँ महंगाई बढ़ा रही है तो हमारी ढाका की सरकार महंगाई से लड़ने के लिए नई नई योजना ला रही है। आज देश की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि आज दिन ब दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, रसोई खाद्य सामग्री के दाम दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, जिससे आम जनता को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, ये क्या यही अच्छे दिन थे क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ मोदी जी, हमें पुराने दिन वापस लौटा दो। हम नहीं खा सकते भाई 160 रुपये KG टमाटर, हम नहीं डलवा सकते पेट्रोल 100 से पार वाला महंगाई। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासत बेहिसाब देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने BJP शासित राज्यों में करोड़ों के घोटाले का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील शुक्ला का कहना है कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके गए, लेकिन BJP सरकार में BJP भ्रष्टाचारियों का राष्ट्रीय संरक्षण संगठन बनकर सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन जिन राज्यों में BJP की सरकार है उन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले हुए हैं। अधिकारी फेडरेशन के तहत आज हमारी 1 दिवसीय हड़ताल है जो कि 5 सूत्री मांगे हैं हमारी, जिसमें पेंशनर लोगों की मांग है, गृहभाड़ा भत्ता है, HRA है और जो नियमितीकरण करना है, जिसमें संविदा नियुक्ति भी है और बाकी जो जिनकी नियमितीकरण में तकलीफें हैं, शिक्षक वर्ग है, उस मांगों को लेकर एक संयुक्त जो हम लोगों का मोर्चा है वो आज 1 दिवसीय हड़ताल कर रहा है। साथ ही संविदा कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर हैं, जिससे कि सरकार के विरुद्ध में सभी संगठन एक साथ मिलकर अपने मांगों के लिए अपन हड़ताल कर रहे हैं। अधिकारी
रोहतक में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान ओपी धनखड़ कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों दबा कर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार से किसानों को बेहतर एमएसपी देने वाला देश में कोई नहीं है। यहाँ महिलाएं हरियाणा भर के कार्यक्रम अपने तय करेंगी, एक पूरी रणनीति के साथ एक एजेंडा बनाएंगी, बूथ बूथ पर महिला सशक्तिकरण का काम करेंगी। और राहुल गांधी तो भाई ठाली है, जीत जी करे घूमन चला जाए, बारिश का मौसम है। अपने उरे ने भी आ गया शिमला जा था, राम में अच्छे धान लगाते लोग दिखे आ गया। असली बात तो ये है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने 8 साल अपने पैरों नीचे दबाए रखा है। उसकी माफ़ी मांगे कांग्रेस कि वो उन्होंने क्यों नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने आके स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया, एक उसका एक पॉइंट भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा भी पहुंची। इस दौरान कुमारी शैलजा बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने वन विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए और वन विभाग की भर्तियों के लिए महिलाओं की छाती मापे जाने के फैसले का विरोध किया और इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे फैसले लेकर महिलाओं को जलील करने का काम कर रही है। पहले भी खिलाड़ियों को जलील किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाएं हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। आप मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वाभिमान बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है? सब हमारा स्वाभिमान कब कम कब हुआ था? क्या आप भारतीय नागरिक को कमज़ोर समझते हैं? भारतीय नागरिक ना कभी इतिहास में कमज़ोर हुआ था ना आज कमज़ोर है। इसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। ये हमारी भारतीय लोगों की जो आत्मविश्वास है उसने कभी हमारे देश को नीचा नहीं होने दिया। कांग्रेस हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर को बड़ी सौगात दी है। दरअसल 100 सड़कों के मरम्मत के काम का शिलान्यास कर दिया गया है। 224 किलोमीटर लंबी इन सड़कों की मरम्मत पर 115 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मॉनसून सीजन के बाद सड़कों पर काम शुरू होगा और साल के आखिर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले की सभी चारों विधानसभा की 25-25 सड़कों को लिया गया है और इनमें यमुनानगर शहर की भी एक सड़क शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सड़कें पहले ही मंजूर कर ली गई थी, लेकिन सड़कों पर जनस्वास्थ्य विभाग का काम पूरा ना होने की वजह से सड़कों के काम में देरी हुई है। अब 31 दिसंबर तक इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा। अलॉट हो चुके हैं और अगले एक महीने में बचे काम पूरी तौर पर अलॉट हो जाएंगे और मानसून खत्म होते जितने ये रोडवर्क है उनको पूरी स्पीड के साथ इस साल के अंत में हम कंप्लीट करवाने का काम। पीछे भी जब मैं आया था शहर में ये मांग रखी गई थी कि मेन शहर की जो आर्टरीज उनके अंदर क्योंकि पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा था वो काम कंप्लीट हो गया, वो हमें हैंड ओवर हो गया। तुरंत शहर की उस रोड की स्ट्रेंथनिंग भी और उसका कंप्लीशन भी कर लिया। बुलेटिन के आखिर में बात हो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुरियर डिलीवरी ऑफिस में चोरी की गुत्थी का खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि चोरों ने कुरियर ऑफिस में 1,64,000 रुपए की नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुखबिर की मदद से 18 घंटे में ही आरोपी अविनाश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सिंधी कॉलोनी चांपा स्थित कुरियर ऑफिस से 5 और 6 तारीख के दरमियानी रात को अज्ञात चोर द्वारा कुल 1,64,480 रुपया चोरी किया गया था। घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा थाने में प्राप्त होने पर धारा 457-380 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और मुखबिर तैनात किए गए। सिंधी आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।
नमस्कार।